नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसे धनेश बोलते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी किस भावेश के नक्षत्र में स्थित है, इसका फलादेश करेंगे। जैसे द्वितीय भाव के स्वामी को हम धनेश बोलते हैं, मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी कोई ग्रह है, तो कोई ना कोई ऐसा ग्रह होगा जो चतुर्थ भाव में स्थित नक्षत्र का भी स्वामी होगा। तो जो ग्रह चतुर्थ भाव के नक्षत्र का स्वामी होगा वहां यहाँ पर फल में भूमिका निभाएगा। इसी प्रकार से सातवें, आठवें, दसवें, यहाँ पर भाव फल नहीं बताया गया है, भावेश का नक्षत्र फल बताया गया है। अगर धन भाव का स्वामी लग्नेश के नक्षत्र में हो, ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जिस नक्षत्र का स्वामी कुंडली में लगन का स्वामी हो, तो आपको क्या फल देगा कि ऐसा जातक स्वयं पर पैसा खर्चा करता है, यानी अपने ऊपर ऐसे लोग ध्यान देते हैं, अपने पहनावे के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, इन सारे चीजों पर वे पैसा व्यय करते हैं, पैसा बनाने में ऐसे लोग निपुण होते हैं। अगर धनेश लग्नेश के नक्षत्र में, प्रथम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो, तो पैसा बनाना हमेशा इनके लिए आसान होता है, यानी मनी मेकिंग, मनी मैनेजमेंट इनके दिमाग में होता है। आभूषण आदि के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, धनी और सुखी होते हैं, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर तेज भी होता है। अगर धनेश आपका धनेश अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, यानी द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जो नक्षत्र है उसका खुद भी स्वामी हो, तो ऐसे लोग धन संग्रह में निपुण होते हैं, इनके पास बैंक बैलेंस अच्छी होने की स्थिति होती है, वाणी आदि के मामले में चतुर होते हैं, परिवार के अच्छे पालक होते हैं और आर्थिक संकटों से ज्यादातर मुक्त ही रहते हैं, जीवन में कोई बड़ा आर्थिक संकट नहीं आता है, इनके जीवन में हमेशा फाइनेंशियली बैकअप बना रहता है, कर्ज चुकाने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं और खाने पीने के मामले में भी ऐसे लोग विशेष ध्यान देते हैं, यानी खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। तृतीयेश के नक्षत्र में अगर बैठा हो धनेश, तो भाइयों पर धन व्यय करने वाले होते हैं ऐसे लोग, छोटी यात्राएं बहुत होती हैं इनके जीवन में, व्यवसाय में धन लगाने वाले होते हैं, व्यवसाय में जब जो भी जरूरत पड़ती है उसमें कंजूसी नहीं करते हैं, जितना परिश्रम उतना धन प्राप्ति इनके जीवन में होता है। अगर द्वितीयेश जो है तृतीय भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो, संचार माध्यमों में निपुण होते हैं, किसी चीज को सप्लाई करने में, पहुंचाने में, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टिंग में निपुण होते हैं, और ऐसे लोग अपने पड़ोसियों को धन से मदद भी करते हैं या पड़ोसियों से धन लेते भी हैं। अगर आपका धनेश जो है द्वितीय भाव का स्वामी ऐसे नक्षत्र में बैठा हो कि उस नक्षत्र का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी हो, यानी चतुर्थेश के नक्षत्र में धनेश बैठे, तो जीवन ऐश्वर्य युक्त रहेगा। जमीन मकान में ऐसे लोग पैसा इन्वेस्ट करने में रुचि लेते हैं, हमेशा ताक में लगे रहते हैं कि जमीन कहीं कुछ अच्छी मिल जाएगी, कोई मकान मिल जाए तो तुरंत उसको ये लोग खरीदना पसंद करते हैं, यानी मुख्य रूप से जमीन में इनकी रुचि होती है, पैसा लगाने से नहीं चूकते। घर गाड़ी से सुखी होते हैं ऐसे लोग, माता से धन प्राप्ति के लिए भी यह योग अनुकूल माना जाता है। पढ़ाई लिखाई में ऐसे लोग अपने पैसा खर्चा करते हैं, यानी खुद को स्किल हुनरमंद बनाने में भी पैसा खर्च करने में आलस्य नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों के घर में कई सदस्य अच्छा पैसा कमा करके लेकर के आते हैं, आम लोगों की भी ऐसे लोग अपने धन से मदद करते हैं।
धनेश आपका अगर पंचम भाव में गया हुआ है तो संतान प्राप्ति के बाद आपके धन में विशेष वृद्धि होने की संभावना रहती है। आप जो है हुनर सीखने में, स्किल सीखने में पैसा खर्च करते हैं। संतान होने पर संतान को भी योग्य अच्छी बनाने के लिए आप अपना बहुत सारा धन व्यय कर सकते हैं और कर्जा वगैरह लेने से भी नहीं चूकते हैं संतान की शिक्षा दीक्षा के लिए। शेयर सट्टा आदि से भी लाभ होने का योग होता है। अचानक धन आगमन भी हो सकता है और धन का आगमन अच्छा बना रहता है जीवन में। धनेश अगर आपका छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बार कर्ज लेना पड़ता है या दशा जब आएगी तब तो होगा ही। रोग पर भी पैसा बेकाफी कुछ करना पड़ जाता है ऐसे लोगों को, जिसे पैसा उधार दे बाद में वही अपना व्यवहार बदल देता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके धन भाव का स्वामी खष्टेश के नक्षत्र में है तो पैसा लेने के पहले जो मधुरता रही थी संबंध में, अगर आप किसी को पैसा दे देंगे तो वही देखेंगे व्यवहार बहुत जबरदस्त रूप से बदलेगा। जो पहले बहुत मित्रवत था अब वो आपसे दूरी बनाने लग सकता है। इसलिए जिनका धनेश छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो वो अपने रिश्ते को सही रखें, इस बात की सावधानी रखें कि लोगों से लेन देन कम रखें। जिसको पैसा उधार देंगे वही जो है इनसे बाद में रिश्ते बिगाड़ लेगा। पैसे के लेन देन से शत्रुता बढ़ती है। नौकरी से ऐसे लोगों को लाभ होता है। अगर धनेश आपका सप्तम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा है तो व्यवसाय में पैसा ऐसा व्यक्ति लगाता है, व्यवसाय से अच्छा लाभ लेता है, पत्नी पर भी पैसा खर्चा करता है, पैसे के मामले में पत्नी के मामले में कोई भेद नहीं रखता है, ससुराल से भी लाभ होता है या ससुराल से भी लेन देन का संबंध बना रहता है। व्यवसाय में पैसा लगाने वाले लोग मिलते रहते हैं। अर्थात अगर द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठे तो आपको अगर कहीं कुछ प्रोजेक्ट है उसमें आप फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो बड़ी आसानी से ऐसे लोग मिल जाते हैं। कुटुंब का व्यक्ति आपके व्यवसाय में मदद करता है। आपके ही कुटुंब का कोई व्यक्ति आपके व्यवसाय में बड़ी मदद करेगा। अष्टम भाव में गया हो अगर धनेश तो कुछ पैसा कई बार जीवन में डूबता है। थोड़े अमाउंट हो सकते हैं या बड़ा अमाउंट हो सकता है, धन हानि का योग बना होता है। अब वह कैसे डूबेगा, हो सकता है कोई ले ले कर्ज ना दे, चोरी हो जाए, गिर जाए, इस प्रकार से भी चीजें घटित होती हैं। अगर धनेश अष्टमेश के नक्षत्र में हो तो जीवन में कई बार धन डूबे, कर्ज की स्थिति बनती है, वाणी में अधिक प्रभाव नहीं रहता है, धन पैसा गिरना, गायब होना, पुस्तकों गायब होना, डॉक्यूमेंट वगैरह गायब होते हैं, कहीं कोई चीज रख देते हैं ऐसे लोग तो वो भूल जाते हैं या गायब हो जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा में भी ऐसे लोग कमजोर होते हैं, यानी ऐसे लोगों की हाई स्कूल की एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। नवम भाव में अगर गया हुआ है आपका धनेश तो आप भाग्यवान हैं, धनी होंगे, पिता के माध्यम से आपको धन भी प्राप्त होगा, यानी आपके धन कमाने में पिता का भी योगदान होगा। धर्म कर्म तीर्थ यात्राओं से भी लाभ हुआ, इनमें विशेष रुचि हो सकती है। धार्मिक पुस्तकों को खरीदने वाले ऐसे लोग होते हैं, धार्मिक पुस्तकों को खरीद के सहेजते हैं, पढ़ते हैं, सुखी और प्रसन्न जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। धनेश अगर दशम भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, बहुत लाभ कमाने वाले होते हैं, यानी अपने कर्म के बल पर कर्म भी बहुत अधिक करेंगे, मेहनत भी अधिक करेंगे, लाभ भी अधिक कमाएंगे। ये जिसको कर्मठी पुरुष बोलते हैं, पुरुषार्थी बोलते हैं, तो ऐसे लोग पुरुषार्थ में निपुण होते हैं, हर कार्य में पैसा बनाने में सफल होते हैं, यानी कोई भी कार्य हो वो बड़ा हो छोटा हो चैलेंजिंग हो उसमें ये लोग अपना सफलता का मार्ग निकाल ही लेते हैं। वाणी व कुटुंब की विशेष भूमिका इनके जीवन में होती है, इनके परिवार की भूमिका और इनके वाणी का योगदान बहुत विशेष होता है इनके कर्म क्षेत्र में। योग्य होते हैं, गुणी होते हैं, सुखी और संपन्न जीवन बिताते हैं।
धनेश एकादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो तो भाई व मित्रों से विशेष लाभ होती है, जीवन में उनकी विशेष भूमिकाएं होती हैं, इच्छा पूर्ति में, लाभ में, मार्गदर्शन में काफी कुछ इनको फायदा मिलता है, पैसों से पैसा बनाने में निपुण होते हैं। अगर द्वितीय से एकादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में होगा तो पैसे से पैसा बनाएंगे, 10 को 12 करना, 12 को फिर 15, 15 को 20 करना, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ब्याज हो गया, कमीशन आदि हो गया तो इनसे लाभ मिलता है, ऐसे लोग सर्व प्रकार से सुखी, प्रसन्न और सफल होते हैं। अगर आपका धनेश द्वादश भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो तो जीवन में कई बार आपको फाइन, जुर्माना लगने की संभावना बनी रहती है, चालान वगैरह बहुत कटता है, धन की हानि का योग बन जाता है, कुछ धन अपव्यय हो, बेवजह की चीजें खरीद लें जो मौके पर तो पसंद आ जाए लेकिन बाद में पता चले इसका कोई खास इस्तेमाल जीवन में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। धन से पीड़ित होते हैं, दिया गया पैसा वापस निकालने में दिक्कत होती है, किसी को पैसा दे करके मदद कर दें, बाद में उस पैसे को वापस प्राप्त करना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि ऐसे लोग कैश बचा नहीं पाते, बहुत मुश्किल होती है, इसके बजाय अगर वे कैश रखने के बजाय इन्वेस्टमेंट करें, उससे जो है कैश के बजाय जमीन में लगा दें, गोल्ड में लगा दें, कहीं किसी भी प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इनको बड़ा लाभ होता है। कुटुंब से दूरी की संभावना और वाणी में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। धनेश किस नक्षत्र में है, यहाँ पर आपको मोटा मोटी सारांश में फल समझा दिया गया है। इस फल को देखिए और अगर कुछ परेशानी है तो मुख्य रूप से ये समझिएगा कि अगर धनेश छठे, आठवें या बारहवें भाव के स्वामी के नक्षत्र में होता है तो परेशानियां कुछ विशेष होती हैं।